अभिसार जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, ये रहे है। जो अमूमन देखिए, ठीक है, सरकार अपने तरीके से जो लोअर मीडिया, मतलब हम लोग जो नीचे काम करते थे अखबार में, डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट जहाँ, मतलब जो सरकार के खिलाफ गुस्सा लोगों में रहता था, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा में रहता था, वो अखबार के दफ्तर पहुंचते थे, मीडिया हाउस पहुंचते थे, हम लोग उनका बाइट चला दिए, उनकी खबरें चला दी, उनका गुस्सा इतना जरूर होता है, चलिए हम अपनी बात रख दी। ये जो बात अब नहीं रखने की जो बात हो रही है, धीरे धीरे लोगों में स्वाभाविक तौर पर है कि आक्रोश बढ़ता जा रहा है व्यवस्था के खिलाफ, कि अब मीडिया भी खबर नहीं दिखाती है हमारी, उसकी बात भी हम लोगों को गाली उसकी सुननी पड़ती है, अरे आप लोग तो बिक गए। ये जो एक बैलून फूल रहा है सोसाइटी के अंदर में, जो अपनी बात रखने का, क्या सरकार और सत्ता ये चीजें समझ नहीं रही है कि भाई ये जो हम अगर मीडिया में 10 खबरें आ भी गई, बहुत तरह का इमेज उसके आधार पर आप बदलने की कोशिश सोचते होंगे कि ये ऐसा हो सकता है, ये जो दबाव बन रहा है सोसाइटी के अंदर में, उनके अंदर जो उबाल पैदा ले रहा है, अरे हमारी खबर तक नहीं चल रही है, इसका क्या असर हो सकता है आने वाले समय में। और एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ना अब हम पत्रकार रहे ना पैरोकार भी रहे, और खास करके अगर बीजेपी की बात करें, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, एक दौर था जिनका मीडिया से सबसे बेहतर रिश्ता रहा करता था, जब मनमोहन सिंह और हमारे यहाँ बिहार में लालू यादव जैसे लोग भी सत्ता में थे, तो बीजेपी सुशील मोदी की खबरें प्रमुखता से इसलिए चली जाती थी कि उनका बेहतर रिश्ता रहता था। ये जब लोग सरकार में आए तो ये इस प्रोसेस को क्यों बंद किए, वो कि विपक्ष की आवाज नहीं उठनी चाहिए, जनता का आवाज मीडिया में नहीं आनी चाहिए, ये सोच इनके अंदर में कैसे डेवलप किया? क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर यही लोग सत्ता में रहेंगे, कल अगर सत्ता से ये बाहर निकल जाए, तो अगर हम आप मीडिया में रह गए तो किस चेहरे से लेके आज हमारे आपके पास ये आएंगे कि देखिए मेरी बात नहीं छप रही है। देखिए, इस सरकार ने जाने अनजाने में एक फॉर्मेट पेश कर दिया है भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए कि आप मीडिया हाउसेस पर किस तरह से दबाव बनाए। ये जो विश्वसनीयता खोई है मुख्य धारा की मीडिया ने, हालांकि मैं फर्क करना चाहूंगा संतोष जी, मुख्य धारा की मीडिया और दूसरी तरफ जिसे आप वैकल्पिक मीडिया कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, आप जैसे पत्रकार जो हैं उनकी बात मैं अगर कर रहा हूं तो देखिए दो तरह के हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब भी सही मायनों में अपने सवाल कर रहे हैं। मैं जिन तीन मंचों के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं बेबाकी से अपने सवाल करता हूं, तो वो फर्क है। मुख्यधारा की मीडिया पूरी तरह से असफल रही है। पहले जो आपने सवाल किया था मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा जनता के सवाल, देखिए माफ कीजिएगा मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर जनता के दोहरे मापदंड है। आप लोग हमें कॉल करते हैं कि साहब मेरे कॉलेज में ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, मगर होगा क्या? बाद में वोट तो आप उसी हिंदू मुस्लिम छद्म राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर जाके दे देते हैं। हां, मुद्दा दिक्कत क्या है, माफ कीजिएगा, जनता भी दोगली है इस मायने में, क्योंकि आप जब वोट देने जाते हो तो आप उन्हीं बुनियादी और सकरे मुद्दे पर देते हो, मगर आपकी समस्याएं भी मुबाए खड़ी हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये जो इस वक्त जो सरकार का ये बहुत ही जबरदस्त धतूरा इन्होंने चटाया हुआ ना हिंदू मुस्लिम का, होता क्या है जब हम हमारा ब्रेन वॉश्ड होते हैं ना, वी ऑलवेज लुक फॉर अ टारगेट अपना गुस्सा निकालने के लिए। अब वो गुस्सा क्या है, वो टारगेट क्या है, तबलीग की जमात के बहाने मुसलमान है, तो वो हमें लग रहा है। सबसे दुख की बात मुझे लगती है कि आज मैं जिस मंच पर बात कर रहा हूं यानी कि कशिश, और वो कशिश जिस राज्य में है, बिहार की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है, सांप्रदायिक माहौल, दंगे यहां कभी नहीं हुए, ठीक है, यहां पे सांप्रदायिक माहौल नहीं रहा। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक चौबे जी का लड़का जो है प्रदर्शन निकालता है, यात्रा निकालता है, और जब एक शर्मा जी का लड़का सवाल करता है तो तुम शर्मा जी को लड़के को गाली देते हो, और वो जो चौबे जी का लड़का आधे बिहार या एक चौथाई बिहार को दंगे में झोंक देता है, और बिहार का रिकॉर्ड जो एक रहा है वो टूट जाता है। और एक और चीज की मिसाल देता हूं, देखिए मैं शर्मा हूं, ठीक है, मेरी जो परवरिश हुई है संतोष जी एक मध्यम वर्गीय फॉरवर्ड कास्ट हिंदू के तौर पर हुई है, मगर मेरे मां बाप ने जो मुझे शिक्षा दी है कि कभी इंसान और इंसान के बीच का फर्क ना हो, और वही मेरी पत्रकारिता में मैं कोशिश करता हूं लागू करने की, मगर बावजूद उसके मुझे याद है, क्योंकि मैंने बताया कॉलेज के दौरान
मैं इंस्पायर्ड था एबीवीपी की विचारधारा से, जब मैं देखता था वाजपेयी जी को बोलते हुए। मुझे याद है जब लालू जी ने अडवाणी जी का रथ यात्रा रोकी थी, तो एक बहुत नाराजगी थी लालू जी को लेकर फॉरवर्ड कास्ट हिंदूज को, खासकर जो बिहार के बाहर बसे हुए थे। मगर जब मैंने बाद में देखा कि 1990 से 93 के बीच उस रथ यात्रा से जो शुरू हुआ था मंजर, उन 3 सालों में 2500 लोग मारे गए, तो मुझे पता चला कि बॉस एक ये आप भी जानते हैं कि वो रथ यात्रा क्यों शुरू हुई थी। वो राम मंदिर के लिए नहीं शुरू हुई थी। आप भी जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस का वो बयान संतोष जी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि अडवाणी जी ने कहा था चूंकि वीपी सिंह ने मंडल लागू कर दिया था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा है रथ यात्रा के अलावा। तो जो मुझे याद है जब जो बात लालू जी ने कही थी, और आप उनकी डॉक्यूमेंट्री राम के नाम है यूट्यूब में, उन्होंने कहा था कि भाई जब मंदिर में जाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, घंटा बजाने वाला इंसान ही नहीं रहेगा, तो मंदिर का क्या फायदा होगा। इतनी खूबसूरत बात ये कही थी। मगर उस वक्त मुझे याद है हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि आप एक खास विचारधारा से इंस्पायर्ड थे। आज की तारीख में हकीकत यह है कि ये जो धर्म का दतूरा है, एक अजीब और गरीब किस्म का विक्टिमहुड आपने पैदा कर दिया है मेजॉरिटी के अंदर, कि साहब हम ही शिकार हैं, हम ही पर अत्याचार हो रहा है। अगर आपका शासक आपको दबा कुचला प्रवोक कर रहा है, भड़काऊ बना रहा है, दबा कुचला बचा रहा है, तो इससे बुरी हालत कुछ नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति से, जिस विचारधारा से इंस्पायर्ड होते हैं, उसे आप, वो आपको प्रगतिशील बनाता है, वो आपको खुली सोच का बनाता है, आपको इनसिक्योर नहीं बनाता है संतोष जी। तो ये दिक्कत है। और रही बात आपने जो दूसरी बात कही, यकीनन जब सत्ता में होती है बीजेपी, मगर जैसे मैंने कहा 2014 के बाद की बीजेपी बदल गई है, ये बीजेपी नहीं है, ये मोदी जी की बीजेपी है, ये अमित शाह की बीजेपी है, और उसका ही हमें, उसी की हमें झलक इस पार्टी में, उसके काम करने के अंदाज में दिखती है। मुझे याद है वाजपेयी जी के दौरान पत्रकारों के से उनके साथ क्या रिश्ते थे, आप भी जानते हैं पत्रकारों से क्या रिश्ते हैं। और एक अजीबोगरीब विडंबना है कि एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति विशेष की सोच को बचाए रखने के लिए अब आप सवालों का भी सामना नहीं करते। इसका खमियाजा देश भुगत रहा है, हमारी जो प्रतिष्ठा है उस पर सवाल उठ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह सब तभी होता है जब मीडिया लाचार हो, जब सरकार की जवाबदेही नहीं हो। और ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में वो एक डायलॉग है ना, वो कौन सी फिल्म, तनु इट्स मनु का, अभी तो हमें और जलील होना है। अभी तो ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिसार जी, आपने इतना वक्त दिया, और जिन चीजों से हम उम्मीद कर रहे थे बड़ी बेबाकी से आप चीजों को रखिए, आपने उन चीजों को भी रखा है। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि देशद्रोही ही सही, कभी कभी वक्त ऐसा भी आता है कि जब इस तरह के नाम से नवाजे जाने वाले लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं देशभक्त की श्रेणी में मानने जाते हैं।